हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। पंचायती राज की सीरीज चालू हो चुकी है, ठीक है ना। इससे पहले मैं दो वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। मैं ये पंचायती राज का तीसरा वीडियो है जिसमें कि मैंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था और उसको प्रदान की गई शक्तियों के बारे में पूरा कंटेंट मैं इसमें कवर करूंगा। हाँ, इससे पहले मैं दो वीडियो जैसे कि बता चुका हूँ, मैं बना चुका हूँ मैं, जिसमें कि पंचायती राज का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और पंचायती राज के अन्य फैक्ट भी मैंने इसमें दूसरे पार्ट में आगे के बताए हुए हैं। तो अगर आपने पंचायती राज का वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इनको जरूर देख लें। अगर आप MPPSC, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई से भी सिविल सर्विसेज की इंडिया के, चाहे वो MP का हो, UP का हो या बिहार का हो या फिर UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो उन सभी के लिए पंचायती राज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिलेबस में इंक्लूड रहता है। इसके बारे में क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं, तो आप इन वीडियोस को देख के अपनी सिविल सर्विसेज में पंचायती राज को पूरा कंटेंट को कवर कर सकते हैं और पूरी तरह मेरे इस वीडियोस के माध्यम से आप पंचायती राज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ये सारे वीडियोस जरूर देखें। तो ये पंचायती राज का तीसरा पार्ट है जिसमें कि मैंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है, जो उस समय बनाई गई थी, उसके बारे में और उनको जो प्रदान जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उसके बारे में इसमें पूरा डिटेल में मैंने समझाने का प्रयास करूंगा मैं इसमें। इसी के साथ साथ मैंने अन्य वीडियोज भी मैंने कम्प्लीट कर लिए हैं। अगर कोई MPPSC की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो MPPSC का पूरा कंटेंट मध्य प्रदेश का मैंने इसमें बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट से आके आप मध्य प्रदेश को पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के कुछ वीडियोस भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश का मैक्सिमम कंटेंट मैंने कंप्लीट कर चुका हूं, तो मध्य प्रदेश पूरा आप मेरे इन वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए पंचायती राज को चालू करते हैं। पंचायती राज की जो व्यवस्था है, ठीक है ना, उसमें जो सरकार ने, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, त्रिस्तर की व्यवस्था की है, ठीक है ना। प्रथम स्तर कौन सा है इसमें? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायती अदालत। ये पहले स्तर की व्यवस्था, ठीक है। और दूसरे स्तर की व्यवस्था कौन सी है इसमें? जनपद पंचायत या पंचायत समितियां। और तीसरे स्तर की व्यवस्था जिला परिषद। तो ये तीन स्तर की व्यवस्था भारत सरकार ने पंचायती राज में की हुई है। और इसको इसकी सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना, मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज में लागू की गई है, ठीक है ना। तो प्रथम स्तर की व्यवस्था में क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायती अदालत, ठीक है ना। और द्वितीय स्तर की व्यवस्था में जनपद पंचायत कहते हैं इसको, या फिर पंचायत समिति के नाम से इसको जानते हैं। और तृतीय स्तर में आती है जिला परिषद। तो ये तीनों स्तर की व्यवस्था हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में ये लागू की गई। जैसे कि ग्राम स्तर की जो प्रथम स्तर की व्यवस्था है वो ग्रामों में लागू होती है, द्वितीय स्तर की व्यवस्था उससे जो बड़े क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जनपद के क्षेत्र आते हैं उसमें जनपद पंचायत लागू होती है, और तृतीय स्तर की व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में, जो शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उसमें जिला परिषद की व्यवस्था लागू होती है। आइए समझते हैं ग्राम सभा, ठीक है ना। ग्राम सभा जो प्रथम स्तर की व्यवस्था है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी अभी इसमें दूंगा। और बाकी जो दो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना, जनपद पंचायत या पंचायत समितियां या जिला परिषद, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रथम स्तर की व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत अदालत के बारे में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप कृपया कर लाइक बटन जरूर दबाएं और इसको आप शेयर भी करें, जिससे कि अन्य आपके जो सर्किल में है वो इसको देख पाए। तो चलिए चलते हैं ग्राम सभा के ऊपर। ग्राम सभा का जो पहला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा आखिर होती क्या है? जो पंचायती राज है उसमें ग्राम सभा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। 250 या इससे अधिक जनसंख्या रखने वाले जो प्रत्येक ग्राम है, ठीक है ना, और उसके ग्रामवासी की प्रार्थना पर एक ग्राम सभा की स्थापना सरकार के द्वारा की जा सकती है। अगर वहां के जो वासी हैं, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वो अगर वहां पर एक ग्राम सभा की स्थापना करने के लिए सरकार से गुजारिश करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कि जो 250 या उससे अधिक की जनसंख्या की बसावट है जिस गांव में, तो वहां पे सरकार इस ग्राम सभा की स्थापना कर सकती है, ठीक है ना। इसके लिए सरकार सरकारी गजट में सूचना देकर ग्राम सभा की स्थापना करती है।
सरकारी गजट जो होता है, श्वेत पत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, श्वेत पत्र जो होता है उसमें ये सरकार इसकी सूचना देती है और उसके बाद में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। दूसरा पॉइंट, इस व्यवस्था में दो या तीन गांव, ठीक है ना, दो या तीन ग्राम मिलकर भी स्थापना किया जा सकता है। अगर एक ही गांव में, एक ही जो गांव है उस गांव में 250 या उससे अधिक की जनसंख्या नहीं हो पाती है, तो इसमें दो या तीन गांव, ठीक है ना, दो या तीन गांव को भी एक साथ मिलाकर ग्राम सभा स्थापित करने की व्यवस्था है। अब इसमें समझते हैं ग्राम सभा की जो सदस्यता है वो कैसे ली जाती है। ग्राम सभा जब बना देती है सरकार, उसके बाद में इसमें सदस्य कैसे बनते हैं। ग्राम सभा की सदस्यता के लिए उस ग्राम के रहवासी होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। प्रौढ़ व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं इसमें, ठीक है ना। जो प्रौढ़ मतलब वयस्क, वयस्क व्यक्ति ही ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। और सदस्यता की जो शर्त है वो ये है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और मानसिक दृष्टि से वह स्वस्थ होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए, यानी कि कोई पागल या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि जिसकी मानसिक दशा सही नहीं हो, और उसको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगला जो पॉइंट है वह है ग्राम सभा में पद धारण करने की योग्यता हो, ठीक है ना। ग्राम सभा में जो जो व्यक्ति पद धारण करने की योग्यता रखता हो वही ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। अगला पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति संबंधित ग्राम सभा का सदस्य ना हो, ठीक है ना, किसी भी दूसरी जो ग्राम सभा है उसका वो सदस्य नहीं होना चाहिए पहले से ही। कोई व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश ही होना चाहिए, किसी भी ग्राम सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, अन्य जो ग्राम गांव आजू बाजू लगे हुए हैं उसका वो सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो उस नई ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। अगला जो ग्राम सभा का जो पॉइंट है वो है, यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार के लाभ के पद पर है, कार्य कर रहा हो, ठीक है ना, तो वो इस जो सभा सभा है ग्राम सभा का उसका वो सदस्य नहीं बन सकता। और कौन व्यक्ति इसमें सदस्य नहीं बन सकता? यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा हो, ठीक है ना, या फिर चारित्रिक भ्रष्ट, चरित्र से भ्रष्ट हो, ठीक है ना, उसके आधार पर निष्कासित व्यक्ति हो, कोढ़ी हो, दिवालिया हो, ऋणी हो, नैतिक अपराधी हो, या फिर 6 माह से अधिक काल का जिसको दंड मिल चुका हो, ऐसे व्यक्ति को ग्राम सभा की सदस्यता नहीं दी सकती, ठीक है ना। चुनावी संबंधी अपराध किए हों किसी व्यक्ति ने, तो ये सब व्यक्ति ग्राम सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य साबित होते हैं, इनको इसमें सदस्यता नहीं दी जाती ग्राम सभा में। अब अगला टॉपिक है ग्राम सभा के पदाधिकारी और उसके चुनाव चुनाव और उनकी अवधि के बारे में इसमें समझाया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्रधान होता है, मतलब जो मेन हेड होता है वो प्रधान कहलाता है इसमें ग्राम सभा में, ठीक है ना, और एक उप प्रधान की व्यवस्था होती है, यानी कि एक हेड और एक उसका सब हेड, ठीक है ना, प्रधान और उप प्रधान की व्यवस्था की गई है इसमें। प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा के पूर्व सदस्यों द्वारा या फिर वयस्क मताधिकार, ठीक है ना, वयस्क लोग इसमें चुनाव करते हैं और उसमें अपने मत का प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कोई भी ग्राम सभा जो होती है वो 5 वर्ष के लिए उसका चुनाव किया जाता है और उसको 5 वर्ष के लिए संचालन के लिए दिया जाता है। तो उसके लिए या फिर जो पूर्व के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो मत अधिकार है, जो पूर्व में सदस्यता ले चुके हैं, ठीक है ना, वो इसमें चुनाव करवाए जाते हैं, और उस चुनाव में ये ग्राम सभा के अधिकारियों का चुनाव होता है और उनकी अवधि होती है 5 वर्ष के लिए। प्रधान का निर्वाचन ग्राम पंचायत द्वारा केवल 1 वर्ष के लिए किया जाता है, जो इसका प्रधान होता है, ठीक है ना, प्रधान का समय सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है और बाकी ये ग्राम सभा पूरी 5 वर्ष के लिए होती है, यानी कि हर वर्ष प्रधान बदलता है, ठीक है ना, 1 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रधान की अवधि सरकार के द्वारा 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है, यानी कि अगर सरकार चाहे, ठीक है ना, सरकार चाहे तो प्रधान का जो समय अंतराल है वो 1 वर्ष के साथ साथ 1 वर्ष और बढ़ा सकती है, यानी कि मैक्स टू मैक्स इसका जो समय अंतराल होता है, समय अवधि होती है, वो 2 वर्ष की होती है। अगर सरकार चाहे तो इसको 1 वर्ष और बढ़ा सकती है, नहीं तो इसका जो मैक्सिमम समय होता है नॉर्मल वो 1 वर्ष का ही होता है, ठीक है ना। उप प्रधान के पद की अवधि उसके निर्वाचन तिथि से गिनी जाती है, यानी कि उप प्रधान जो होता है
वो निर्वाचन तिथि जो होती है, जिस समय उसको इलेक्ट किया जाता है, उस समय से उसकी काउंटेबिलिटी होती है। अगला पॉइंट, ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की जो बैठक है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लेते हैं। ग्राम सभा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, हर वर्ष जो होती है 2 बार इसका आयोजन किया जाता है, और वो 2 बार कौन कौन सी होती हैं, एक तो रबी की फसल कटने के बाद और दूसरी खरीफ की फसल कटने के बाद में। गांव में जो कृषि होती है, कृषि आधारित ये बैठक होती है, और कृषि में जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल कब होती है, रबी की फसल होती है जब ठंड के बाद में गर्मी आती है, ठीक है ना। तो गर्मी के समय में जो फसलें कटती हैं खरीफ रबी की फसल में, जैसे कि चना कटता है, ठीक है ना, चना कटने के बाद में गेहूं, ठीक है ना, चना कटता है, चना के बाद में अन्य जो फसल जो रबी की होती हैं उस समय इसकी बैठक की जाती है, और दूसरी खरीफ की फसलों में, खरीफ की फसलें यानी कि जब बारिश से पहले, बारिश होने से पहले पहले जो फसलों की कटाई की जाती है उस समय इसकी बैठक की जाती है। यानी कि टोटल जो ग्राम सभा की 2 बैठकें हैं वो रबी के फसलों के कटने के बाद में और खरीफ की फसलों के कटने के बाद में की जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है बैठक बुलाने का तरीका। अगर बीच में कभी ग्राम सभा बुलाने की स्थिति बनती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ग्राम सभा की निर्धारित संख्या का 1/5 भाग, ठीक है ना, प्रधान से जो सदस्य हैं, ठीक है ना, सदस्य अगर चाहें कि हमें ग्राम सभा बुलानी है तो प्रधान से जो सदस्य हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, और सदस्य के जो रेशो है वो पूरे सदस्य का 1/5 भाग होना चाहिए। अगर वो इसको रिक्वेस्ट करते हैं और बैठक बुलाने के लिए लिखित रूप में अनुरोध करते हैं तो ऐसी याचिका के अंतर्गत में प्रधान को ग्राम सभा बुलानी पड़ेगी। यानी कि टोटल अगर 100% जो सदस्य हैं उसके 1/5 भाग, ठीक है ना, जो सदस्य हैं वो इसको लिखित रूप में देते हैं कि बैठक बुलाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, तो उसमें प्रधान को वो बैठक बुलानी पड़ती है, वो कंपलसरी है। ये इसका पॉइंट है, इसको आप इसी तरीके से याद रखना है आपको। किसी भी ग्राम सभा में कोई सी भी कार्रवाई करनी है, ठीक है ना, तो उसमें क्या ना कि जो कुल सदस्य हैं उस ग्राम सभा के उसके 1/5 भाग होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, उनकी उपस्थिति होना जरूरी है, उसके बाद ही उस कार्रवाई को वो विधिवत चालू कर सकते हैं। कोई सी भी ग्राम सभा हो रही है उसमें इतने सदस्यों का उपस्थित होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, जो 1/5 भाग है ये रेशो नॉर्मल है, इसको होना जरूरी है, इससे ऊपर हो तो अच्छा है लेकिन मिनिमम इतने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही कोई भी ग्राम सभा में कार्रवाई विधिवत रूप से आगे रखी जाती है। अब चलते हैं ग्राम पंचायत की तरफ। ग्राम सभा पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब ग्राम पंचायत पे पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ग्राम पंचायत में क्या है, ग्राम पंचायत के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो ग्राम सभा द्वारा, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का जो सदस्य हैं उसकी जो निर्वाचन है वो ग्राम सभा द्वारा 5 वर्ष हेतु किया जाता है। जो ग्राम सभा ही इसको निर्वाचित करती है और इसका जो निर्वाचन है वो 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि है, ठीक है ना, इसकी जो अवधि है वो 5 वर्ष की है, ठीक है ना, और इस अवधि को सरकार के द्वारा, ठीक है ना, गजट में सूचना देकर 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल इसको 6 वर्ष के लिए कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो, ठीक है ना, नहीं तो नॉर्मल में ये 5 वर्ष के लिए होती है ग्राम पंचायत। अब समझते हैं ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना, एक तो अनिवार्य कार्य और एक ऐच्छिक कार्य, ठीक है ना, एक इच्छा से किए गए कार्य, यानी कि ग्राम पंचायत अपनी इच्छा से जो कार्य करना चाहे वो कर सकती है, या फिर जो अनिवार्य कार्य जो कि सरकार ने निर्धारित किए हैं वो कार्य इनको करने ही है, या फिर उनकी इच्छा के अनुसार जो कार्य होते हैं वो कर सकती है। तो इस तरीके से 2 कार्य में इस पर विभाजित किया गया है, पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य, यानी कि इच्छा से किए गए कार्य, उनकी इच्छा में हों तो वो करेंगे नहीं तो वो नहीं करेंगे। अब समझते हैं अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं जो कि सरकार के द्वारा तय किए गए हैं ग्राम पंचायत के लिए। एक तो पहला है स्वास्थ्य संबंधी कार्य, दूसरा है यातायात संबंधी कार्य। स्वास्थ्य संबंधी कार्य यानी कि कोई चिकित्सा की व्यवस्था करानी हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था करानी हो, वो ग्राम पंचायत के अंडर में आएगा और उसको करवाना पड़ेगा। यातायात संबंधी कार्य यानी कि कहीं पे कोई मार्ग अवरुद्ध हो रहा है उसको बनवाना, कहीं पे कोई टूट फूट हो गई है, कोई सड़क या रास्ते बनवाने हैं उसको बनवाने का कार्य भी ये अनिवार्य कार्य में आता है ग्राम पंचायत के। संपत्ति जो संपत्ति है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उस गांव में, उस ग्राम में रहने वाले जो वासी हैं उनकी संपत्ति से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो
कार्य अनिवार्य कार्य में आते हैं। लोक हितकारी, लोक हितकारी यानी कि कोई ऐसे कार्य जिससे कि वहां के लोगों का फायदा पहुंचता हो, ठीक है ना, उनसे उनको सुविधा प्राप्त होती हो, वो सारे कार्य भी अनिवार्य कार्य में आते हैं, ठीक है ना। व्यावसायिक, ये लिखा हुआ है व्यावसायिक, व्यावसायिक, ठीक है ना। व्यवसाय के जो कार्य होते हैं वो कार्य जैसे कि कोई बिजनेस, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करना है वहां पे, ठीक है ना, किसी व्यापार को बढ़ावा देना है, वो भी कार्य अनिवार्य कार्य में आते हैं। सुरक्षा संबंधी कार्य, उस ग्राम की सुरक्षा, ठीक है ना, सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाने हैं, वो कार्य भी अनिवार्य कार्य में आते हैं। शिक्षा संबंधी, ठीक है ना, वहां पे स्कूल, ठीक है ना, प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए जो जितने भी कार्य होते हैं वो भी अनिवार्य कार्य में आते हैं। अब समझते हैं ग्राम पंचायत में इच्छा से किए गए कार्य, मतलब कि अगर उनकी इच्छा में है तो वो करेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा नहीं तो नहीं करेंगे, इस पे कोई प्रेशर सरकार का नहीं रहता है। इन कार्यों में ग्राम पंचायत को कोई बाध्यता नहीं होती, वो उसके लिए बाध्य नहीं होती है। वो कौन कौन से, जैसे कि अगर वो चाहे तो पेड़ लगवा सकती है, ठीक है ना, आजू बाजू गाँव में गंदे गड्ढे अगर खुले पड़े हैं उनको भरवाना, ठीक है ना, मवेशियों की नस्ल सुधरवाना, ग्राम की रक्षा करना, गोदाम आदि का की स्थापना करना, उन्नत बीजों और औजारों को तैयार करना, ये सब ग्राम पंचायत में बाध्य नहीं है। अगर वो चाहे तो करवाए, नहीं तो नहीं कराए, ये सरकार के द्वारा अनिवार्य कार्य में नहीं आते हैं, ये सब ऐच्छिक कार्यों में आते हैं, इतना जरूर आपको समझना है। अब समझते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार कौन कौन से होते हैं। ग्राम पंचायत के अधिकारों को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो सार्वजनिक कार्यों का अधिकार और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी अधिकार। ये दो भाग हैं, पहला सार्वजनिक कार्य का अधिकार और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी अधिकार। इन दो भागों में ग्राम पंचायत के अधिकारों को बांटा गया है। पहले ले लेते हैं सार्वजनिक कार्य, ठीक है ना, सार्वजनिक कार्य का अधिकार कौन कौन सा है। सार्वजनिक कार्य के अधिकार में आते हैं जैसे कि कोई नए पुल का निर्माण करना हो, पुलियों का निर्माण करना हो, छोटी मोटी पुलिया जो कि बीच में आ रही हो, कहीं पे पानी के लिए रास्ता रुक रहा है तो वहां पे पुल का निर्माण करना, ठीक है, ठीक है, या फिर जल मार्गों से जनता के हित के लिए मोड़ना, कहीं पे कोई खेती कृषि की भूमि है, ठीक है ना, वहां पर अगर पानी सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है तो वहां पे जनता के हित के लिए पानी का रुख मोड़ के वहां पे व्यवस्था करना, ये, या फिर सिंचाई के लिए छोटी मोटी योजनाओं को लागू करना, या फिर उससे संबंधित जो जो लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए वहां के अधिकारी से मिलना और वहां से उसकी स्वीकृति दिलाना, ये सार्वजनिक कार्यों में आता है। अगला जो सार्वजनिक कार्यों में आता है वो पॉइंट है मार्गों की सफाई करवाना, ठीक है ना, मार्गों में लगी हुई झाड़ियों को कटवाना, ठीक है ना, जो कि मार्गों को अवरुद्ध करती हो, ऐसी झाड़ियों को भी कटवाना, ये सार्वजनिक कार्यों में आता है। और सार्वजनिक उपयोग में लाया जाना वाला जो पानी है, ठीक है ना, वो पानी की जो जो स्थान है उनको सुरक्षित करना, जिससे कि वहाँ के जो वासी हैं, ग्रामवासी, उनको वो पानी उपयोग में लाने के लिए सुविधा हो। और वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है, उस पानी की व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे कोई कपड़े धो रहा है या फिर उस पानी को गंदा कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे उसको प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था भी सार्वजनिक कार्यों में आती है। अब समझते हैं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार ग्राम पंचायत को कौन कौन से दिए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे ग्रामों की सफाई की व्यवस्था, ठीक है ना, भरी हुई नाली में जो गंदगी होती है, ठीक है ना, उसकी सफाई करवाना भी स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों में आता है। दूसरा है किसी भी गड्ढे में गड्ढों को भरवाना जो कि बीमारी फैला रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी बंद करवाना, ये स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों में आता है। चिकित्सा की व्यवस्था करवाना, विषैली वनस्पति व झाड़ियों को सफाई करवाना, ये स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों में आता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है ग्राम पंचायत पर सरकार का कैसे नियंत्रण होता है, सरकार इसको कैसे नियंत्रित करती है जिससे कि ग्राम पंचायत हर कार्य को सुगमता से कर पाए और उस पर किस तरीके से कंट्रोलिंग होती है उसको समझते हैं। ग्राम पंचायत किसी भी प्रकार किसी प्रकार के निरंकुश ना हो पाए, वो निरंकुश ना हो पाए यानी कि उसको अंकुश में रखने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम के साथ में सरकार इसको कंट्रोल करती है, ठीक है ना, और ग्राम पंचायत पर सरकार का कुछ प्रतिबंध व नियंत्रण भी रहता है। उसके लिए सरकार क्या ना कुछ अधिकारियों को नियुक्त करती है, ठीक है ना, जो कि ग्राम पंचायत पर समय समय पर उनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं कि वो किस तरीके से किस प्रोसेस में काम कर रही है, कहीं पे कुछ कुछ झूल तो नहीं है, कुछ घपला तो नहीं कर रही है, तो उसका निरीक्षण करने के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त करती है जो कि वहां पे विजिलेंस के रूप में जाती हैं अधिकारी लोग, और ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण भी करते हैं। अगला, लिखित आज्ञा द्वारा सरकार पंचायत से संबंधित किसी भी दस्तावेज को मंगवा सकती है, यानी कि पंचायत जो भी कार्य लेखा जोखा में जो भी काम करती है उसको लिखित रूप में लगती है, तो सरकार उनको ऑर्डर देती है
कि आप वो संबंधित दस्तावेज हमारे पास में लेके आए, हम उसको चेक करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो ये सब सरकार के नियंत्रण में जो अधिकार दिए गए हैं पंचायत को, सरकार उसको कैसे नियंत्रित करती है उसके बारे में पूरी जानकारी है। सरकार ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत किसी भी मामले में जांच करवा सकती है। अगर वो चाहे तो ग्राम पंचायत की किसी भी मामले में जांच करवा सकती है, और उस जांच में ग्राम पंचायत सरकार का सहयोग करना उसको आवश्यक है। सरकार किसी भी मामले में अपनी राय लिखकर ग्राम पंचायत को भेज सकती है, ठीक है ना। सरकार चाहे तो वो अपनी राय लिख के भेज सकती है, वहां पे जो निरीक्षण किया गया है अधिकारी निरीक्षण करते हैं, उसके बाद में अगर वो सरकार चाहे तो अपनी राय लिख के भेज सकती है कि आपको कार्य करने का ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, इस तरीके से आप वहाँ के रहने वाले गांव के लोगों की मदद करेंगे और इस तरीके से सारी व्यवस्था करेंगे, उस तरीके से अपनी राय सरकार ग्राम पंचायत को भेज सकती है। सरकार चाहे तो किसी भी ग्राम पंचायत को भंग भी कर सकती है। अगर वो जो ग्राम पंचायत है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रही है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, तो सरकार के पास में ये पूरा अधिकार होता है, पूरा पावर होता है कि वो उस ग्राम पंचायत को भंग करे। और सरकार ग्राम पंचायत के किसी भी अधिकारी और किसी भी सदस्य को निलंबित भी कर सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है या फिर उसको हटा सकती है परमानेंटली, ठीक है ना। अगर वो अपने कर्तव्य को, जो उनको अधिकार दिए गए हैं, जो उनको कार्य करने के अधिकार हैं, जो कार्य अनिवार्य हैं, वो अगर वो कर नहीं रहे हैं, तो अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो सस्पेंड भी कर सकती है और उनको हटा भी सकती है। सरकार किसी भी ग्राम पंचायत के कोई भी कार्य में अगर कमी आ गई है तो उसका भी निरीक्षण कर सकती है। लिखित आदेश देकर सरकार वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उनके कर्तव्य के प्रति उनको जागरूक भी करती है, ठीक है ना। ये भी उनके पास में पूरे पावर है कि वहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उसको उनके कर्तव्य के बारे में जागरूक करना भी सरकार अपनी नियंत्रण में रखती है। सरकार ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त करती है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित हुए प्रस्तावों को, ग्राम पंचायत बीच बीच में जो भी आदेश पारित करती है, ठीक है, तो उसको सरकार के पास में पावर रहते हैं और ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करती है कि अगर वो जो ग्राम पंचायत जो भी प्रस्ताव लेके आ रही है वो वाकई में ही जन कल्याण के लिए है या नहीं है, और उससे वहाँ के रहने वाले लोगों को हानि पहुँच रही है या फिर कुछ हानिकारक साबित हो रहे हैं वो प्रस्ताव, तो उसको वो अधिकारी उनको क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। वो सारे प्रस्ताव को रद्द करने का पावर उन अधिकारियों को सरकार देती है। सरकार पंचायत की जो आय व्यय है, ठीक है ना, उसका उसकी निरीक्षण वो कर सकती है, ठीक है ना। अगर ग्राम पंचायत उन उस जब सरकार जो ग्रांट देती है उसका जो धन का है उसका अगर दुरुपयोग कर रही है ग्राम पंचायत, ठीक है ना, तो जो भी ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा ग्राम पंचायत को दी जा रही है, ठीक है ना, उसको सरकार बंद कर सकती है। अगर ग्राम पंचायत उन सभी धन का वो दुरुपयोग कर रही है तो उसको भी वो बंद कर सकती है। तो इसका निरीक्षण करने के लिए अधिकारी नियुक्त करती है वो, और उसको निरीक्षण कर अगर उस धन का दुरुपयोग हो रहा है तो ग्राम पंचायत को दी जाने वाली जितनी भी ग्रांट है उसको वो बंद भी कर सकती हैं। तो ये सब अधिकार सरकार के पास में होते हैं, किस तरीके से ग्राम पंचायत को वो नियंत्रित रखे और किस तरीके से वो कंट्रोल करे। तो ये सब जानकारी थी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें इसको, और मेरे चैनल को आप अगर लगातार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो दिया हुआ है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मेरे इस वीडियो के मिलते रहेंगे, और इसी तरीके से आप सारे वीडियोस जो कि आने वाले समय में मैं बनाऊंगा उनके नोटिफिकेशन आपके पास में आएंगे और उनको आप इसी तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। और लाइक जरूर करें और शेयर कर लें, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर भी करें अन्य ग्रुप में, जिससे कि अन्य लोग भी देख पाएं और मैक्सिमम व्यूज़ मेरे इस वीडियोज़ को मिल पाए। तो इसी के साथ में मेरा ये पंचायती राज का ये जो वीडियो है जिसमें कि मैंने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जो शक्तियाँ हैं, किस तरीके से सरकार ने दी हैं इनको शक्तियाँ, उनके बारे में मैंने जानकारी दी। इसके बाद में मैं अगले वीडियो में जो जिला परिषद है उसके बारे में आपको जानकारियाँ दूंगा। अगले वीडियो में जिला परिषद का गठन कैसे हुआ है और वो शहरों में किस तरीके से कार्य करती है, तो मेरी वीडियो को आप इसी तरीके से देखते रहें, और अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।